हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गे हेंड्रिक्स की किताब द बिग लीप के बारे में। द बिग लीप सपनों और डर के बारे में किताब है। डर और खुद पर थोपी गई लिमिट्स को पार करके उन सभी सपनों को सच किया जा सकता है। हम उन लोगों को इसे पढ़ने की सलाह देते हैं जो अपने जीवन की दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि लाइफ अब तक कैसी बीती है और वो अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी बड़ी छलांग की तैयारी। 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंजीनियर्स ने ये पता लगाया कि बिजली के बिना भाप के इंजन का कैसे यूज किया जाता है और इस तरह स्टीम इंजन का जन्म हुआ। पहले केवल माल को ले जाने के लिए स्टीम इंजन का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इसका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाने लगा। दोस्तों, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ क्योंकि किसी इंसान को ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल है और उसके लिए वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहा। पहले हमें समझना होगा कि कंफर्ट जोन कोई जोन या जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फिजिकल और मेंटल स्टेट है जिसमें इंसान कंफर्टेबल हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट आलसी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान कोई जॉब कर रहा है और वो उस जॉब से खुश नहीं है और वो अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो उस जॉब को छोड़ देगा। लेकिन अगर वो इंसान इस जॉब को करते समय इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि अब वो इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता, इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने बहुत जरूरी हैं। कंफर्ट जोन उन अचीवर्स के लिए नहीं है जो अपने सपनों की लाइफ को बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सपनों की लाइफ को जीना चाहते हैं और एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और काम करना पड़ेगा, वरना आपका सपना एक सपना बनकर ही रह जाएगा। बड़े सवालों से बड़े इनाम मिल सकते हैं। यहाँ पर इनाम का मतलब नॉलेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे आपको उतना ही अच्छा उसका जवाब मिलेगा, या आप जितना वैल्यूएबल सवाल पूछेंगे उतना ही वैल्यूएबल आपको उसका जवाब मिलेगा। जब हम सक्सेस के अगले लेवल को पाते हैं तो अपर लिमिट की प्रॉब्लम हमें ये सोचने के लिए इंस्पायर करती है कि हम इसके लायक नहीं है और हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम पहले थे। जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो नेचर हमें हमेशा एक स्टेप आगे कर देता है। इंसान का मन हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, इसलिए जब कभी उसका लेवल बढ़ता है तो उसको और पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आराम करने की आपकी लत चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहें। अगर आप जरूरत से ज्यादा आराम करने लगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको एक बार आराम की लत लग गई तो आप हर काम में आराम ढूंढेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। मेकिंग द लीप, छलांग लगाना। मैरियन विलियमसन का एक पुराना और काफी फेमस एग्जाम्पल है कि हमारा सबसे बुरा डर फेलियर का नहीं है, बल्कि ये इसका है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप जानते हैं और मानते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को हमेशा बढ़ा सकते हैं तो आपके पास उस काम को ना करने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने आप से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। हेंड्रिक्स, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, फिट्ज़पर्ल्स का एग्जाम्पल देते हैं और इसमें सांस लेने का सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा था कि डर सांस के बिना कुछ भी नहीं है। आमतौर पर जब हम डरते हैं तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। इसका सामना करने के लिए आप धीरे धीरे और गहरी सांस को लेते हुए कंट्रोल वापस ले सकते हैं, और अगर आप इसे हमेशा करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने बहुत जरूरी हैं। हमें लाइफ के हर एक एरिया में बड़ी छलांग के साथ हमें लाइफ के दूसरे एरिया में बड़े झटके मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी लाइफ में किसी एक चीज पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने दूसरे कामों को समय दें, जिससे कि वो काम भी खराब हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे काम को छोड़कर एक ही चीज पर ध्यान दें। हमें ध्यान रखना होगा कि एक ही समय पर एक ही काम करें। हर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के पीछे एक मुश्किल 10 मिनट की बातचीत है जो आप करना नहीं चाहते। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो आप खुद के ही टीचर बन जाते हैं और चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करने लगते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। और ये दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि हम किसी से इसके बारे में सलाह नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत ना आए तो पहले किसी से सलाह लें और फिर शुरू करें। जब आपके रिलेशन में बड़ी चीजें सामने आती हैं तो अपने पार्टनर से पूछें कि क्या वो सीखने की जर्नी में एक इक्वल पार्टनर के रूप में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पर हेंड्रिक्स ये लाइन्स उन लोगों के लिए लिखते हैं जो शादीशुदा हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो कहते हैं, जब आप अपने पार्टनर को अपने गोल्स या अपने सपने के बारे में बताते हैं तो वो आपको कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इसका मतलब वो आपकी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। जब वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं तो उनसे पूछे कि इस सीखने के सफर में क्या वो आपका साथ देंगे। हेंड्रिक्स हमें यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जिसके भी साथ हैं
वो आपका साथ देने के काबिल हैं या नहीं। अगर वो सच में आपका साथ देना चाहते हैं तो वो कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे और आपके साथ हमेशा सीखते रहेंगे। गेटिंग स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना। हेंड्रिक्स कहते हैं, काम असली में काम जैसा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मन का काम करते हैं तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होती। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपने काम को दिल से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को 25 से 28 उम्र के बाद पता चलता है कि उनका पैशन क्या है, क्योंकि 25 की उम्र से पहले वो लोग वही कर रहे थे जो उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनको समझाते आए थे। उन्होंने कॉलेज में वही पढ़ाई की जो उनके दोस्तों ने की, उन्होंने वही जॉब की जो उनके दोस्तों ने की। उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, और जब वो अपने बारे में सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इसी को कहते हैं भेड़ चाल में चलना। आपको अपने एरिया में काम करने की जरूरत है, जिसे हेंड्रिक्स आपका जोन ऑफ जीनियस कहते हैं। जोन ऑफ जीनियस कोई जगह नहीं है, ये मेंटल स्टेट है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और इंसान सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तभी होता है जब वो अपने मन का काम कर रहा हो। इसलिए हेंड्रिक्स कहते हैं कि आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे। जबरदस्ती किया गया काम हमेशा खराब होता है। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने बहुत जरूरी हैं। चिंता करना इस बात का साइन है कि हम किसी इंपॉर्टेंट चीज पर काम नहीं कर रहे हैं। हमें किसी भी काम की चिंता तब होती है जब हम उस काम को लास्ट मिनट तक टालते हैं, और जब डेडलाइन और पास आ जाती है तो चिंता करते हैं और फिर कोई बहाना मारकर उस काम को छोड़ देते हैं। हमें ये समझना होगा कि बहाना बनाने से या काम को टालने से वो काम किसी और को नहीं करना पड़ेगा, वो अभी भी हमें ही करना है। लेकिन अब हमें उस काम की चिंता होगी और फिर ना चाहते हुए भी हमें उस काम को करना ही पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और अपने अंदर की आलस को खत्म करना। चिंता करना तभी यूजफुल होता है जब किसी सब्जेक्ट के बारे में हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं। फालतू में चिंता करना पागलपन है। जैसे कि आप चाहें कि रात कभी भी ना हो या गर्मियां कभी भी ना आए, इन सब्जेक्ट पर चिंता करना वो बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि ये तो नेचर है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। इस पे चिंता करना बेकार है। लेकिन अपने काम के लिए चिंता करना, अपने करियर को लेकर चिंता करना वो जरूरी है, क्योंकि वही आपको सफल इंसान बनाएगी। लेकिन यहाँ पर हेंड्रिक्स एक बात पर बहुत जोर देकर बताते हैं कि सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया का हर इंसान अमीर होता। अगर आप चिंता करने की लत छोड़ दें तो आपका जीवन रातों रात बदल सकता है। अगर आप चिंता करना छोड़ दें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। चिंता और लापरवाह होने में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसमें हमें सोचना होगा। अगर हम चिंता करके एक्शन ना लें तो वो लापरवाही कहलाएगा। इसलिए चिंता ना करें, इसके बजाय हम एक्शन लेना शुरू करें। जोन ऑफ जीनियस में एक नया घर बनाना। जैसा कि हम जोन ऑफ जीनियस समझ चुके हैं, जोन ऑफ जीनियस वो मेंटल स्टेट है जहां आप अपने काम में जीनियस बन जाते हैं। जोन ऑफ जीनियस अचीव करने के लिए यहां पर कुछ स्टेप्स हैं, आइए उन्हें समझते हैं। जोन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, आपको काम के दौरान मेहनत करनी होगी क्योंकि बहुत से लोग इसे आपसे बेहतर कर सकते हैं। जोन ऑफ इनकॉम्पिटेंस में हमें समझ आता है कि हमें अपने काम से चिपकना होगा, मतलब उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा। क्योंकि अगर हम अपने काम में जीनियस बनना चाहते हैं तो हमें यही करना होगा, वरना और भी लोग हैं जो हमसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जोन ऑफ कॉम्पिटेंस, आप ठीक हैं लेकिन बहुत से और लोग बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। जोन ऑफ कॉम्पिटेंस में हमें समझ आता है कि अब आप काम में मेहनत करना सीख गए हैं, लेकिन अभी उस काम को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्योंकि जो इंसान एक बार सेटिस्फाइड हो गया उसकी ग्रोथ रुक जाती है और अब वो एवरेज लोगों में गिना जाने लग जाएगा। जोन ऑफ जीनियस, आप सचमुच दुनिया में बेस्ट हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप टॉप के 1-2% लोगों में आ जाएंगे जो अपने काम में जीनियस बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लगातार चीजें सीखते रहे और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहे तो जोन ऑफ जीनियस में बने रहेंगे, वरना आपकी जगह कोई और आ जाएगा। जोन ऑफ जीनियस में जीना, जोन ऑफ जीनियस में कैसे बने रहना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहेंगे और आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, लेकिन आपको अपने जोन में बने रहना है। इसके लिए हेंड्रिक्स इस चैप्टर में कुछ जरूरी पॉइंट्स बताते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। बॉक्स से बाहर निकलकर सोचें और उन पर एक्शन लें। हेंड्रिक्स बताते हैं, जब वो एक कंपनी में जॉब करते थे तो उनके एक दोस्त थे जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत अच्छे विचार रखते थे, लेकिन उनको वही मिलता था जो औरों को मिल रहा था, क्योंकि वो अपने थॉट्स पर कभी भी एक्शन नहीं लेते थे और सिर्फ बातें करते थे। इस कहानी से हेंड्रिक्स हमें ये बताना चाहते हैं कि अच्छे प्लान्स और थॉट्स तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अगर हम उन पर एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने प्लान्स पर एक्शन भी लेना होगा।
मेडिटेशन की आर्ट सीखें और अपने विचारों को कभी भी जाने ना दें। मेडिटेशन की आर्ट का मतलब है कि हमें फोकस्ड होना सीखना पड़ेगा, हमें अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। ज्यादातर समय हम खुद ही चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ना कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए सबसे अच्छी चीज है टाइम टेबल या स्केड्यूल। अपने टाइम टेबल में आप सोने से लेकर उठने तक हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी लिखें और हर चीज का एक फिक्स टाइम करें और एक चीज को एक दिन में ज्यादा बार रिपीट ना करें। अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए 45 मिनट से ज्यादा ना दें, वरना आपका उठने का मन नहीं करेगा। यहाँ पर हेंड्रिक्स हमें एक और चीज सिखाते हैं। वो कहते हैं अपने थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर ना जाने दें। इसके लिए वो बताते हैं नोट मेकिंग। वो कहते हैं कि अपने साथ हमेशा एक छोटी डायरी रखें, जिसमें आपको जैसे कोई अच्छा प्लान या थॉट दिमाग में आए तो उसे जल्दी से उस डायरी में लिखें, जिससे कि आप उन अच्छे प्लान्स या थॉट्स को नहीं भूलेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जब आप किसी चीज को लिख देते हैं तो उस काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। खुद को मोटिवेट करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड के टॉप में जो भी इंसान है, आप उनसे मोटिवेट हों, उनको फॉलो करें, उनको समझने की कोशिश करें और ये पता लगाएं कि जो गलती उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में की थी वो गलती आप ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी आइडियोलॉजी मतलब उनके माइंडसेट को समझिए। आइंस्टाइन टाइम को जिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइंस्टाइन के जमाने में चले जाएं। इसका मतलब है कि जैसे आइंस्टाइन के जमाने में वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वैसे ही आप भी अपने टाइम में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हेंड्रिक्स आइंस्टाइन का एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि उनको आज भी दुनिया में उनके कामों की वजह से याद किया जाता है। हेंड्रिक्स आइंस्टाइन की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आइंस्टाइन को साइंस की फील्ड में उनके हार्डवर्क की वजह से नोबेल प्राइज मिला था, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता जल्दी ही मिलेगी। इस चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने की जरूरत है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और ढंग से काम करने के लिए आपको अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करना होगा। टाइम में बहुत ताकत है, वो किसी को भी बना सकता है या बिगाड़ सकता है। हमें अपने आप को टाइम के साथ नई चीजों को अडॉप्ट करना होगा और उन्हें सीखना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। जब इंडिया में स्मार्टफोन आए तो लोगों को वो ज्यादा पसंद नहीं आए। उनका कहना था कि इतना बड़ा और महंगा फोन भला कौन लेगा। शायद यही कारण था कि इंडिया में स्मार्टफोन को आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी डिमांड इंडियन मार्केट में इतनी बढ़ गई कि आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और अब शायद ही कोई होगा जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। आप ये वीडियो भी शायद अपने स्मार्टफोन पर ही देख रहे हैं। ठीक उसी तरह कोविड से पहले लोग ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग से घबराते थे, लेकिन जैसे कोविड आया गवर्नमेंट ने कैशलेस कॉन्टैक्ट करने को कहा तो लोगों ने नेट बैंकिंग शुरू कर दी और अब तो हर दूसरी पेमेंट ऑनलाइन ही होती है। इन सभी के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हमें अपने आप को टाइम के साथ अपडेट कर लेना चाहिए। टाइम की सही समझ पाने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि टाइम की सही समझ से हमारी टेंशन कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टाइम को समझने के लिए सिर्फ टाइम से रिलेटेड किताबें पढ़नी होंगी। यहाँ पर टाइम को समझने का मतलब है कि टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना और अपने टाइम पर कंट्रोल रखना। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछें, उन्हें अपने दिन का हर घंटा मालूम होता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अपना टाइम डिवाइड करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आइंस्टाइन की टाइम को पाने के लिए हमें अपने टाइम को 100% यूटिलाइज करना होगा। हेंड्रिक्स बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में काफी सारे बड़े लोगों से मिले, लेकिन उनको डेल कंपनी के फाउंडर मिचेल डेल की एक बात बहुत अच्छी लगी जिसको उन्होंने आगे अपनी लाइफ में उतारा। वो बताते हैं मिचेल डेल को अपने टाइम की वैल्यू पता थी, इसलिए वो अपने दिन का जो भी पार्ट मीटिंग्स के लिए देते थे वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स पर ही फोकस करते थे। अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त वो कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, चाहे वो चाय पीना ही क्यों ना हो। इससे हेंड्रिक्स को समझ में आया कि मिचेल डेल कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करते। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर एक से ज्यादा काम करना। मिचेल डेल मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने काम का 100% इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आपको भी अपने टाइम को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो आप भी मल्टीटास्किंग ना करें और एक समय पर एक ही काम को पूरे फोकस के साथ करें। रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस चैप्टर में हेंड्रिक्स हमें समझाते हैं कि कैसे आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें वो ये भी समझाते हैं कि रिलेशनशिप हमेशा वो नहीं होता कि जब आप किसी लड़के या किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाएं। जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपके पार्टनर होते हैं उनके साथ भी आपको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है ताकि काम लंबे समय तक अच्छा चलता रहे। इस चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को समझने और याद रखने की जरूरत है। कौन सही है कौन गलत ये छोड़कर प्रॉब्लम पर ध्यान दें। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कभी दो लोगों के बीच कोई लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को दोषी मानते हैं और वो ये नहीं सोचते कि असलियत में प्रॉब्लम क्या थी। ये सब हमारी ईगो की वजह से होता है। इंसान सोचता है भला मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। और आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन हो चुकी है। वो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। कुछ लोग तो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें और हमेशा खुद को ही झुकाते रहें। आपका काम है प्रॉब्लम को समझकर अच्छे से सॉल्व करना, ना कि सिर्फ इस बात पर लड़ते रहना कि गलती किसकी है। हेल्दी रिलेशनशिप केवल बराबरी की सोच वाले लोगों के साथ मौजूद होती है। एक अच्छा रिलेशनशिप, चाहे वो किसी के भी साथ हो, वो तभी सफल होता है जब आप दोनों तरफ से गिव एंड टेक कर रहे हो। क्योंकि अगर एक इंसान ही सब कुछ करेगा तो वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी बन पाएगा जब आप मिलकर बैठकर काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, तो अगर आप सेल्स का काम देखते हैं तो आपके पार्टनर को मैन्युफैक्चरिंग का काम देखना पड़ेगा ताकि आप दोनों एक साथ कंपनी को बड़ा कर सकें। ऑथर कहते हैं कि वो इतने लंबे करियर में बहुत से बड़े लोगों से मिले और उनमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो यही है कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पाते। इसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो काम आपको दिया जाए उससे डिफरेंट काम आपके पार्टनर को दिया जाना चाहिए ताकि आप उनके काम में दखल ना करें और वो आपके काम में दखल ना करें। और आखिर में आप दोनों अपने अपने काम की रिपोर्ट दीजिए, उससे ये पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने काम को अपने तरीके से किया, आपने अपने काम को अपने ढंग से किया। जब आप दोनों इसी तरह से कंपनी के अलग अलग काम को करेंगे तो कंपनी जरूर आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, द बिग लीप बुक से हमने सीखा कि हमें अपने टाइम को 100% इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो 24 घंटे की एनर्जी हमें आज मिली है वो कल नहीं मिलेगी। हमने सीखा कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, हमें अपना जोन ऑफ जीनियस बनाना चाहिए, अपने रिलेशंस को औरों के साथ बनाए रखने के लिए गिव एंड टेक करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो हमने इस बुक से सीखी वो है कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए अपने थॉट्स पर एक्शन लेना होगा और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट, JioSaavn, Gaana.com और भी बहुत सारी जगह। यानी कि अब हम हर जगह हैं। बुक समरीज पढ़ने के लिए वेबसाइट पर, सुनने के लिए पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।